डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एल वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चुरू। आज का अपना टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक। जहरीले और नॉन पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स में को अपन कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स। इंडिया के अंदर लगभग 360 के करीब इंडियन स्पीशीज जो स्नेक्स की पाई जाती है, इंडियन स्नेक्स की है वो 360 स्पीशीज पाई जाती है, जिसमें से करीब 69 स्पीशीज जो है वो ही केवल पॉइजनस है, बाकी पॉइजनस नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि भारत के अंदर है वो जो पॉइजनस स्नेक है उनकी संख्या बहुत ही कम है। अब उनको पहचानेंगे कैसे, आप उन पॉइजनस स्नेक को और नॉन पॉइजनस स्नेक में क्या डिफरेंसेस है, वो अपन यहाँ पर आज जानने की कोशिश करेंगे। पूरे वीडियो को आप बड़े गौर से देखना, आपको सारा का सारा समझ में आएगा। सॉरी, मैं एक एक कैरेक्टर लेता हूँ। सबसे पहले लेते हैं टेल का कैरेक्टर। अब जितने भी स्नेक्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन कैरेक्टर लेंगे। कौन से कैरेक्टर लेंगे, एक तो अपन उसकी टेल को देखेंगे कि टेल कैसी होती है, दूसरा उसकी जो बेली है, जो साइड की और ये जो बेली है, उस बेली के ऊपर जो स्केल्स होते हैं वो कैसे लगे रहते हैं। तो दो नंबर पॉइंट अपन ये लेंगे, पहला नंबर टेल, दूसरा नंबर बेली, ठीक है, और तीसरा नंबर लेंगे उसके हेड के ऊपर जो स्केल्स पाए जाते हैं वो कैसे पाए जाते हैं, हेड के ऊपर जो स्केल्स पाए जाते हैं वो लेंगे अपन। बीच बीच में कुछ कैरेक्टर्स है वो अपन टेल के जो स्केल्स है उनको भी देखेंगे। तो ये मेन जो चीजें हैं अपन टेल का कैरेक्टर लेंगे, बेली के स्केल्स लेंगे और हेड के स्केल्स लेंगे। सबसे पहले देखिए टेल, ये अपन ने यहाँ पर एक टेल दिखाई है जो फ्लेट है, फ्लेट टेल है। अब इस फ्लेट टेल के अंदर क्या है कि जो टेल है वो एकदम से जाकर के पतली नहीं होती है, आगे से ब्लंट होती है और फ्लेट होती है। तो ये इस प्रकार के स्नेक जितने भी है वो सारे के सारे पॉइजनस स्नेक होते हैं। और वो कहाँ मिलते हैं इस प्रकार के स्नेक है, वो ज्यादातर किसी में मिलते हैं, सी स्नेक है वो, मेराइन है वो, मेरिन जो स्नेक होते हैं वो सारे के सारे क्या है, पॉइजनस स्नेक होते हैं। तो टेल का ये एक कैरेक्टर है। दूसरा अपने टेल का यहाँ दे रखा है सिलेंड्रिकल टेल है, यानी धीरे धीरे जाकर के वो पतली होती जाती है, एक वो स्नेक है। ये एकदम से जाकर के पतली नहीं हुई है, लास्ट में जाकर के फ्लेट है, तो वो पॉइजनस है। और ये वाला कैरेक्टर जो अपन देख रहे हैं वो क्या है, सिलेंड्रिकल टेल है, पीछे से धीरे 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 जाकर के वो पतली होती है। तो उसको वो जो स्नेक है वो पॉइजनस भी हो सकते हैं और नॉन पॉइजनस हो सकते हैं। ये वाले क्या है, टोटल के टोटल पॉइजनस है, जिसकी टेल सिलेंड्रिकल हो वो स्नेक पॉइजनस भी हो सकता है और नॉन पॉइजनस भी हो सकता है। जो लैंड स्नेक है उनके अंदर ये सारे के सारे कैरेक्टर मिलते हैं। तो अगर इस प्रकार की टेल है तो अपन ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है, जहरीला है या नहीं। तो अपन क्या लेंगे, उसकी बेली के स्केल्स देखेंगे, उसका जो वेंट्रल साइड है उसके जो स्केल्स देखेंगे अपन, उसके आधार पर अपन डिसाइड कर पाएंगे। अब ये जो डायग्राम अपन ने बना रखा है वो बेली का बना रखा है स्नेक के। अगर उस स्केल्स को देखें तो देखिए सारे के सारे स्केल्स छोटे एक जैसे, स्मॉल स्केल्स हैं, ठीक है। अगर ये सारे के सारे एक जैसे और स्मॉल स्नेक्स हो, स्मॉल स्केल्स हो, किस पर, बेली के ऊपर, तो अपन क्या कहेंगे कि ये सारे के सारे स्नेक्स हैं वो नॉन पॉइजनस है, नॉन पॉइजनस स्नेक्स होंगे। दूसरा देखिए आप, एक बेली का ये डायग्राम बनाया हुआ है, उसमें देखो बीच में सारे बड़े बड़े हैं और किनारे पर क्या है, छोटे छोटे हैं। तो आप देखिए लार्ज है, इसकी कंपैरिजन में ये लार्ज है, लार्ज स्केल है, बट नॉट कवर एंटायर सरफेस, लेकिन ये जो लार्ज है वो पूरी की पूरी सरफेस को कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि साइड में क्या है, छोटे छोटे स्केल्स है। तो यहां पर स्केल्स बड़े तो हैं लेकिन वो बड़े के बड़े हैं, वो पूरी की पूरी वेंट्रल सरफेस को कवर नहीं करते। इसका मतलब वो स्नेक्स कौन से, नॉन पॉइजनस है वो भी, ये भी नॉन पॉइजनस है और ये भी क्या है, नॉन पॉइजनस है। जैसे पाइथन अपन यहाँ पे लिख रखा है पाइथन, तो ये इस प्रकार का किसमें मिलता है, पाइथन के अंदर, जो कि नॉन पॉइजनस है। अब बेली का अपन तीसरा कैरेक्टर लेते हैं जिसमें स्केल्स बहुत बड़े बड़े हैं और पूरी की पूरी
सरफेस को कवर करते हैं, ये लार्ज स्केल है, लार्ज तो यहाँ पर भी है लेकिन ये पूरी सरफेस को कवर नहीं कर रहे, यहाँ पे क्या लार्ज स्केल्स है एंड कवर द एंटायर सरफेस, पूरी सरफेस को ये कवर करते हैं। तो ये स्नेक्स है वो पॉइजनस भी हो सकते हैं और नॉन पॉइजनस भी हो सकते हैं, विषालु भी हो सकते हैं और अविषालु भी हो सकते हैं। अब अगर आपने को ऐसा स्नेक दिखाई दे जिसमें इस प्रकार का कैरेक्टर पाया जाता तो अब अपने को कैसे पता चलेगा कि ये पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है? तो अपने को क्या करना पड़ेगा, दूसरे कैरेक्टर देखने पड़ेंगे और वो दूसरे किसके देखेंगे, हेड के कैरेक्टर देखेंगे, हेड के स्केल्स के कैरेक्टर देखेंगे। इनमें अपने कंफर्म हो गया कि ये नॉन पॉइजनस है, निश्चित रूप से ये नो, ये क्या है पॉइजनस कंफर्म, टेल वाला। यहां पे देखिए क्या देखा, बेली के स्केल्स छोटे हैं नॉन पॉइजनस, बड़े हैं लेकिन पूरी सरफेस को कवर नहीं करते, ये भी नॉन पॉइजनस जैसे पाइथन। अब बेली के स्केल्स बड़े हैं और पूरी सरफेस को कवर करते हैं, वो पॉइजनस भी हो सकते हैं और नॉन पॉइजनस भी हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में अपन दूसरे कैरेक्टर देखेंगे कि वो पॉइजनस है या नो, अगर ये कैरेक्टर है तो अपन क्या देखेंगे, ये वाला कैरेक्टर देखेंगे, हेड के स्केल्स। अब यहां पर देखिए आप, ये अपन ने हेड वाला पोर्शन बना रखा है, अगर ये इसका आगे वाला भाग त्रिभुजाकार हो, ट्राइंगल हो, ये अगर ट्राइंगल हो, स्केल्स जितने भी हैं वो स्मॉल हो, स्मॉल हो, और लोरियल पिट नहीं हो, लोरियल पिट नहीं हो, ये तीन कैरेक्टर दिखाया अपने। देखिए यहां पर एक स्नेक के अंदर अपने एक लोरियल पिट दिखाया, यानी इसकी जो आई है वहां पर एक आई को अटैच करते हुए एक गड्ढा होता है, उसको बोलते हैं लोरियल पिट। वो लोरियल पिट भी यहां पर नहीं है, आगे से ट्राइंगुलर है और हेड के ऊपर स्केल्स है वो छोटे छोटे हैं, इसका मतलब स्नेक क्या है, पॉइजनस है। हेड के ऊपर छोटे छोटे स्केल्स एक कैरेक्टर, आगे से ट्राइंगुलर लगभग, और लोरियल पिट आंख के पास में एक गड्ढा जो होता है इसको लोरियल पिट बोलते हैं, वो नहीं है। तो ऐसे स्नेक क्या है, पॉइजनस स्नेक मिलेंगे। और उसमें एग्जांपल क्या है, पिटलेस वाइपर, ऐसे वाइपर, वाइपर में पिट भी होती है और पिटलेस भी होते हैं, तो ये पिट, ये क्या पिटलेस वाइपर, वो इस प्रकार के मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए यहां देखिए, यहां पर देखिए क्या है, स्केल्स है वो सारे के सारे छोटे हैं, अपर सरफेस के ऊपर, ऊपर वाले जाके ऊपर क्या सारे स्केल्स छोटे हैं, लेकिन यहां पे आई को टच करते हुए एक क्या है, लोरियल पिट है, गड्ढा है, कहां पर है, आई और नोस्ट्रियल के बीच में, और आई को टच करते हुए ये क्या पाया जाता है, एक गड्ढा जिसको बोलते हैं नोस्ट्रियल, सॉरी लोरियल पिट। अगर ये लोरियल पिट है तो क्या होगा, वो निश्चित रूप से पॉइजनस है, ये भी क्या है, पॉइजनस है, और इसका एग्जांपल है पिट वाइपर। तो पॉइजनस तो ये भी है और पॉइजनस है ये भी है, यहां पर पिट नहीं है इसलिए पिटलेस वाइपर, और यहां पर पिट है इसलिए पिट वाइपर, तो पिट वाइपर इसमें रखा जाता है और पिटलेस वाइपर है वो इसमें रखा जाता है। अब ये जो पिट वाइपर है, क्यों कहा इसको पिट वाइपर, क्योंकि इसमें लोरियल पिट पाई जाती है। अब इस लोरियल पिट जिसमें पाई जाती है, उन स्नेक को, उन स्नेक की अगर अपन टेल को देखें, तो यहां मैंने एक डायग्राम बना रखा है, एक ये है और एक ये है, ये टेल वाला है। अब ये सब कोटल स्केल है, मतलब जो टेल वाला भाग है उसकी वेंट्रल साइड के ऊपर सब कोटल, ये सब कोटल स्केल्स है। अगर इसकी दो रो है, डबल रो है, तो भी पॉइजनस है, और अगर टेल वाले भाग में अगर सिंगल रो है तो भी वो क्या है, पॉइजनस है। यहां क्या बताया, पिट है तो क्या है, पॉइजनस, जिसमें क्या आता है, पिट वाइपर। इसके अगर टेल को देखें अपन, तो ये क्या सब कोडल स्केल है, मतलब कोडल वाले भाग में जो स्केल्स है वो, अगर वो डबल रो है उनकी तो भी वो जहरीले, और अगर सिंगल रो है तो भी वो क्या है, पॉइजनस है। तो इसका एग्जांपल देखिए, वाइपेरा रसेल, इसमें डबल रो होती है, और एक 21 कैरिनिटा, एकिस कैरिनिटा, इसमें सिंगल रो है, तो ये भी क्या है,
पॉइजनस है। आगे समझ में। उसके बाद में देखिए ऊपर वाला जो जा है, हेड वाला पोर्शन है, उसमें स्केल्स बड़े हो, उसमें स्केल्स बड़े हो, लोरियल पिट ना हो, तो वो स्नेक भी क्या होंगे, जहरीले होंगे। लेकिन उसमें अलग अलग टाइप पाई जाती है। यहां पे क्या है, हेड वाले भाग के ऊपर स्केल्स बड़े बड़े हैं और लोरियल पिट भी नहीं है, तो अपन क्या देखेंगे, यहां पर देखिए ये दो प्रकार की मिलेंगे आपको। इस प्रकार का अगर मिले, यहां पर देखिए यहां पे क्या, जैसे ये ऊपर वाला जबड़ा दिखा रखा है, ये नीचे वाला दिखा रखा है, ये आई दिखा रखी है, ये नोस्ट्रिल दिखा रखी है, आई और नोस्ट्रिल को टच करते हुए थर्ड जो सुप्रा ब्रिंकियल, सुप्रा लेबियल, जो सुप्रा लेबियल वर्टिब्रल्स होता है, वर्टिब्रल्स मतलब इनके स्केल्स को बोलते हैं यहां पे, तो 1, 2 और 3 जो तीसरा है वो बड़ा है, आई को और नोस्ट्रिल के बीच में हो, टच करते हुए हो, तो वो क्या होगा, पॉइजनस स्नेक होगा, पॉइजनस स्नेक होगा। जैसे कोबरा और नाजा के लिए इस प्रकार का मिलेगा, जिसमें ये थर्ड सुप्रा लेबियल वर्टिबल्स है वो आई के टच करता होता है और काफी बड़ा होता है। तो एक टाइप तो इसमें ऐसी मिलेगी। दूसरा, जहां पर वर्टिब्रल्स है वो बड़े बड़े हो, और जो फोर्थ है 1, 2, 3, 4 ये जो फोर्थ इंफ्रा लेबियल है, ये नीचे वाला दिखाया, ये डोर्सल व्यू है, ये वेंट्रल व्यू है, इसमें ये क्या है, ये क्या वेंट्रल व्यू और ये डोर्सल व्यू। डोर्सल व्यू के अंदर क्या है, यहां पे जो थर्ड सुप्रा लेबियल है वो आई को टच करते हुए और नोस्ट्रिल को टच करते हुए बीच में और बड़ा सारा है, तो वो क्या है, पॉइजनस है, जैसे कोबरा और नाजा के अंदर। फिर देखिए आप, अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, जो फोर्थ इंफ्रा लेबियल अगर बड़ा है, षटभुजाकार है वो और बड़ा है, तो भी वो क्या होगा, पॉइजनस, तो वो मिलेगा क्रेट में और बेंगोरस में, क्रेट और बेंगोरस में। तो इस प्रकार से अपन इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो कर सकते हैं स्नेक्स की। क्या बताया मैंने कि अगर पहला टेल का कैरेक्टर लिया है, अगर टेल फ्लेट है तो पॉइजनस, टेल सिलेंड्रिकल है तो पॉइजनस भी हो सकता है और नॉन पॉइजनस हो सकता है। तब अपन कौन सा कैरेक्टर देखेंगे, बेली के स्केल्स देखेंगे, उसकी वेंट्रल साइड के देखेंगे, अगर वो स्मॉल है पॉइजनस, अगर वो बड़े हैं पूरी सरफेस को कवर नहीं करते हैं तो नॉन पॉइजनस, ये भी नॉन पॉइजनस, ये पाइथन एग्जांपल है इसका। बेली के स्केल्स बड़े हैं पूरी सरफेस को कवर करते हैं तो वो क्या हो सकते हैं, पॉइजनस भी हो सकते हैं, नॉन पॉइजनस भी हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में अपन नेक्स्ट कैरेक्टर देखेंगे, और नेक्स्ट कैरेक्टर किसका है, हेड के स्केल्स का है। अगर स्केल्स आगे का माउथ ट्रायंगुलर, छोटे स्केल्स, लोरियल पिट यहां पे नहीं हो, गड्ढा नहीं हो, तो वो सारे के सारे स्नेक्स क्या है, पॉइजनस है। जैसे पिटलेस वाइपर आता है, इसमें पिट नहीं है इसलिए इसको पिटलेस वाइपर बोलते हैं, और यहां पर पिट वाइपर है क्योंकि यहां पर क्या पिट पाई जाती है, आंख को टच करते हुए गड्ढा पाया जाता है जिसको लोरियल पिट कहते हैं, तो ये पिट वाइपर है। इसमें अपन ने बताया टेल पे अगर डबल रो है तो भी जहरीला है, सिंगल रो ये कैरेक्टर होते हुए अगर ये दोनों कैरेक्टर भी मिलते हैं तो वो क्या है, पॉइजनस है। तो ये वाइपर रसेल है और ये 21 कैनेटा है। अगर हेड के स्केल सारे के सारे बड़े हो, लोरियल पिट ना हो, उसके बाद में अपन दो कैरेक्टर देखते हैं कि थर्ड वर्टिबल्स जो है ऊपर वाले में, थर्ड इंफ्रा सुप्रा लेबियल जो है वो अगर बड़ा हो, आंख को टच करते हुए हो, तो वो पॉइजनस है, जैसे कोबरा और नाजा में। और अगर फोर्थ बड़ा है और सारे के सारे षटभुजाकार है और फोर्थ बहुत बड़ा है, तो वो भी क्या है, फोर्थ इंफ्रा लेबियल, क्योंकि नीचे वाला जबड़ा दिखा रहा है इसलिए इंफ्रा लेबियल, ये सुप्रा लेबियल, ये इंफ्रा लेबियल है, तो वो क्या होगा, पॉइजनस, जैसे क्रेट और बेंगोरस में। तो इस प्रकार अपन स्नेक्स को पहचान सकते हैं कि कौन सा पॉइजनस है और कौन सा नॉन पॉइजनस स्नेक्स है। थैंक यू।